బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దానా తుఫాను తీవ్ర తుఫాన్గా మారింది. 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఒడిశాలోని దమ్రా పోర్టు వైపు దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం పారాదీప్కు 260 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సాగర్ ద్వీపానికి 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీవ్ర తుఫాను కేంద్రీకృతమైంది. తీరం దాటే టైంలో గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగం నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వరకు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు ఐఎండీ అధికారులు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని సూచించారు. తుఫాను ప్రభావంతో ఒడిశా, బెంగాల్, ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఒడిశా, బెంగాల్ మధ్యన దానా తుఫాను తీరం దాటే అవకాశం ఉండడంతో అప్రమత్తమయ్యారు అధికారులు. తీరం దాటే దమ్రా పోర్టులో కార్యకలాపాలన్నీ నిలిపివేశారు. ఇక 2.5 లక్షల మంది ప్రజలను రిలీఫ్ సెంటర్లకు తరలిస్తున్నారు. వారికి ఫుడ్, మెడికల్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు ఆఫీసర్లు. ఇక సహాయక చర్యల కోసం దాదాపు 2000 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఒడిశా ఫైర్ డీజీ సుధాంశ్ సాదంగి. जो प्रेडिक्शन है आईएमडी का, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से धमरा पोर्ट है, इसके ऊपर से लैंडफॉल दिखा रहा है. तो पोर्ट को एक पूरा एक प्रिपेयरनेस प्लान होता है. तो भारत में जितने भी बंदर है सबकी अपनी अपनी एसओपी होती है. सो धमरा पोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक एसओपी बना लिया है कि किस हिसाब से कोई साइक्लोन या ऐसे कोई मेजर ऐसे इवेंट होती है उसको कैसे फेस किया जाए. तो ये प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी 3 दिन से स्टार्ट हो गई है. हमने आज से ही सारा पोर्ट का जितना भी ऑपरेशन है वो बंद कर दिया है, क्योंकि पोर्ट का ऑपरेशन बहुत पिक्युलर ऑपरेशन है. उसमें जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है उसको आपको पूरा सिक्योर करना पड़ता है. वो सिक्योर तभी कर सकते हैं जब आपका जो वेसल्स और रेल ऑपरेशन है वो उसको पहले बंद करना पड़ता है. तो सबसे सेफ वेसल्स को एक पैसेज देना होता है. तो उसको देने में एक के बाद एक वेसल्स आप निकालते हैं. तो वो सारा वेसल्स आज सेल हो गया है. और उसको भी ऐसा है कि उसको साउथ साइड पे एक सेफ पैसेज चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड पे तो ऑलरेडी अपना लैंड लॉक हो जाता है. तो ये जितने भी वेसल है उसको साउथ साइड में जाना होता है. आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं. जहाँ पे जो कलेक्टर सर थे पहले उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं. तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है. शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हजार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है. रात को हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 70,000 से भी ज्यादा इवैक्यूएशन हो जाए. और कल 11 बजे तक जितना हमारा टारगेट है अराउंड 2.5 लाख इवैक्यूएशन का हमारा टारगेट रहेगा. सारे जो हमारे साइक्लोन सेंटर्स है, परमानेंट साइक्लोन सेंटर्स और कुछ स्कूल्स जो टेम्पररी साइक्लोन सेंटर्स को हमने कन्वर्ट किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे बीडीओज है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर से उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దానా తుఫాను తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఒడిశాలోని దమ్రా పోర్టు వైపు దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం పారాదీప్కు 260 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సాగర్ ద్వీపానికి 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీవ్ర తుఫాను కేంద్రీకృతమైంది. తీరం దాటే టైంలో గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగం నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వరకు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు ఐఎండీ అధికారులు. साइड में जो साइक्लोन सेंटर है उसमें जाने के लिए हम कह रहे हैं. माइकिंग हम हर 1 घंटे इंटरवल में हम माइकिंग कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं. अगर कुछ दिक्कत है तो आप साइक्लोन सेंटर जा सकते हैं. अभी सी में जाके भी आप कर रहे थे? हाँ जी, हम सी में भी जाकर कोई जो लोग मान रहे नहीं रहे, नेट लेके मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं उसको हम घर के जाने के लिए बोल रहे हैं. क्या अलर्ट कर रहे हैं? अलर्ट क्या कर रहे हैं? क्या माइकिंग में क्या बोल रहे हैं? माइकिंग में जो साइक्लोन के जो दाना आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हाई टाइड होगा, विंड स्पीड ज़्यादा होगा, इसलिए कोई दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम उनको साइड में जाने के लिए नहीं कह रहे. बारिश भी ज़्यादा होगा? हाँ, बारिश भी ज़्यादा होगा. जनरल को कह रहे कुछ दिक्कत होगा तो आप तुरंत प्रोसेस में अधिकारी जो है उसको बताइए, साइक्लोन सेंटर में जाइए. इससे और बड़ा बड़ा साइक्लोन हुआ वो भी सामना किए. ये तो बहुत साइक्लोन देखा है. 99 में जो आया था साइक्लोन, इससे बहुत बड़ा आया था वो भी, उसको सामना किए. पन्नी आया था और हुडहुड आया था, बहुत कुछ ज़्यादा आया था. हम भी तैयार है, इससे बात नहीं है. होगा जो होगा देखा जाएगा.
हाँ पता समझा के समझा रहा है, ऐसा बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए। हाँ रखा जा रहा है, बहुत लोग बात का स्थल जो है गवर्नमेंट जो बना हुआ है वो लोग जो ट्राई कर रखा है सब। आपका डर तो है फिर भी सामना कर रहे हैं, तो हर साल तो आ रहा साइक्लोन, हम भी देख रहे छोटा से देख रहे, डर तो है, पानी को किसको डर नहीं है, डर तो रहेगा। हवा भी चल रहा, रात से भी बढ़ रहा हवा चल रहा, अभी बढ़ते जा रहा। हंड्रेड ट्वेंटी तो डर लग रहा है, 120 और भी बड़ा है, 160 180 200 तक भी चल रहा था इससे पहले, अभी तो डर है ऐसा बात नहीं, डर तो है। और मैं इधर का ही बासिंदा हूँ, बगल में 2 किलोमीटर आगे पहले भी बहुत सारा साइक्लोन आ गया है, तो इसका बाद में भी हुड़ुड़ा है, फनी है, जो उससे भी भयंकर आने वाला है, जो बातिया दाना है ये उससे भयंकर है, तो इधर थोड़ा हाई अलर्ट है। अभी प्रशासन तरफ से सभी कलेक्टर वगैरह आए थे और सभी व्यवस्था सही है और NDRF टीम वगैरह सब सही है, तो बातिया दाना के लिए सब हाई अलर्ट में है, कोई भी यदि बाढ़ आएगा। हाँ हाँ पहले से बहुत ज़्यादा, पहले तो तूफान आने का पहले कुछ जानकारी होता था नहीं, अभी तो सायरन व्यवस्था हो गया है, रेडक्रॉस वगैरह है, NDRF टीम वगैरह है, सब कुछ सुविधा है, तो खुद नेता मंत्री भी आके इधर रहते हैं, तो उन लोग भी देखभाल करते हैं, तो यदि बाढ़ आएगा कंफर्म तो आने का है, ऑलरेडी आने का है, आज शाम तक आ जाएगा, तो आने से निपटने का पूरा तैयारी सरजम है, कोई टेंशन।